परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमस्कार, मैं हूं शालिनी मौर्य। एक्सपोज इंडिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के रजौरी में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन के बाद रजौरी के जिला कलेक्ट्रेट शाहिद इकबाल चौधरी ने जिले के 84 स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान की ओर से किए गए सीज फायरिंग उल्लंघन से नियंत्रण रेखा पर जबरदस्त तनाव का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, रविवार सुबह मोर्टार दागने के साथ साथ ऑटोमेटिक मशीन गन से की गई भारी गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के सीमा पार से पाकिस्तान की फायरिंग में 4 जवान शहीद हो गए हैं। शहीदों में जम्मू कश्मीर के इन्फैक्ट्री के एक अधिकारी समेत 3 जवान शामिल हैं। रविवार को पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कैप्टन कुंडू ने अपने प्राण नौछावर कर दिए। 23 साल से भी कम उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले कैप्टन कुंडू का मानना था कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हुए कपिल कुंडू के दादा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि पाकिस्तान से शहीदों का बदला ले। जानकारी के मुताबिक शहीद कपिल कुंडू का 4 दिन पहले प्रमोशन हुआ था। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गहरी संवेदना प्रकट की है। एक्सपोज इंडिया की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।